ऑल राइट जी, आई एम सॉरी, लास्ट क्लास के एंड में जो ब्रेक हमने ली थी, उस ब्रेक के बाद जो सेशन था वो अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे. तो आई एम मेकिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड आफ्टर द क्लास. तो काइंडली आप इसको फॉलो करते हुए जो भी हमने प्रॉब्लम किए थे, गोल्डबर्ग कंजेक्चर वाला, वो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हमें याद है दो इम्प्लीमेंटेशन की थी हम डिस्कस करने के. तो हमने डिस्कस क्या किया था, हमने फिर डिस्कस इस तरह की बात की थी कि व्हाट इज अ गोल्डबर्ग कंजेक्चर. गोल्डबर्ग कंजेक्चर इज बेसिकली द फॉलोइंग, कि आपने आप कोई भी इवन नंबर लें. सो इफ यू टेक एन इवन नंबर, फॉर एग्जांपल मे बी 12, ठीक है, तो आप इसको दो प्राइम नंबर्स की एडिशन के फॉर्म में ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस 12, 12 इज 7 प्लस 5. Actually, I will not write it 7 plus 5. I will actually write it 5 plus 7. पहला पहला वाला छोटा नंबर, दूसरा वाला बड़ा नंबर, तो should be 5 plus 7. Okay, right? So it should take let's say 14. So 14 is nothing but 3 plus 11. Okay? So this is just one way to set it. By the way, there could be multiple ways, but Goldberg conjecture says that there exists at least one condition. Okay? सबने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है. सो अगर आप इसको देखें तो ये नंबर आपका, सो लेट मी चेंज द कलर, ये नंबर आपका एन है, ठीक है, और ये नंबर आपके वो हैं जिन जिन की समेशन की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, ठीक है. सो एन इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है. और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये जो दोनों नंबर हैं ए और बी, ये दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों नंबर एन से छोटे होने चाहिए. तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए एंड बी बोथ शुड बी लेस देन एन, बिकॉज देयर समेशन इज इक्वल टू एन. सो ऑब्वियसली दोनों के दोनों लेस देन एन होने चाहिए, और दोनों के दोनों को ऑफ कोर्स क्योंकि प्राइम है तो दे हैव टू बी ग्रेटर देन टू, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैज टू बी ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज द फर्स्ट प्राइम नंबर इज इट इज टू. ओके, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और हमने जो डिस्कस किया था बात वो ये थी कि आप बेसिकली हम ए और बी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करते हैं, देखिए बल्कि ए को फिक्स करके बी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है. और क्या 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 कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए और बी दोनों प्राइम, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा एन है वो ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो गोल्डबर्ग कंजेक्चर की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ठीक है. तो एक तो वो दोनों प्राइम होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि एन जो है वो उन दोनों के समीशन के बराबर, ठीक. तो हमने क्या किया था, हमने हमने बेसिकली एक काम ये किया था कि हमने एक प्रोग्राम लिख लिया था. तो हमने लेट से कहा था कि एन एक नंबर है, और हमने एंट इनपुट, हमने एन को इनपुट करवा लिया, ठीक है. फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं हम ए की तमाम पॉसिबिलिटीज ट्राई करते हैं, और ए किस से लेकर कितने तक होना चाहिए, ऑफ कोर्स रेंज होनी चाहिए बिटवीन 1 2, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए तो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 2, एंड व्हाट शुड बी और ऑफ कोर्स एन से कम तक रहने चाहिए. तो एन से कम तक रहने के लिए हम यहाँ पर एन लिखते हैं, क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो रेंज होती है उसमें आखिरी वाली चीज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ए कर दिया, और अब ए को हमने फिक्स कर लिया, तो लेट्स से ए 2 ट्राई होगा, तो 2 के बाद बेसिकली बी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फॉर लूप लेना है बी इन रेंज, ठीक है, इसको भी हम लेंगे 2 to n, ठीक है, राइट. और हमने चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि बेसिकली पहली बात क्या होनी चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए कि ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू डबल इक्वल टू n, ठीक है. एक ये चीज होनी चाहिए, साथ एक और चीज भी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि हमारा हमारा ए भी प्राइम होना चाहिए, एंड हमारा हमारा ए भी प्राइम होना चाहिए, सॉरी थोड़ा छोटा मैं फॉन्ट कर रहा हूँ, हमारा ए भी प्राइम होना चाहिए और हमारा बी भी प्राइम होना चाहिए, ठीक है. बी दोनों के दोनों प्राइम होंगे तभी हम प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, प्रिंट में जाके लिखेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ लिख कर लिखेंगे एन इज इक्वल टू ऑफकोर्स ए प्लस, ठीक है, ये हमें कॉल करना,
अब अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो इस कोड को लिखने के लिए हमें इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, वो है इस प्राइम फंक्शन। और इस प्राइम फंक्शन हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी डेफ इज प्राइम। यहाँ पे कोई भी नंबर, हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, लेट्स से टी एक पास हो रहा है, और उस टी के बारे में हम बता दें कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हम एक काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू शुरू में जीरो है, और हम करते क्या है, फॉर डी इज इक्वल डी सॉरी डी इन रेंज। हाँ जी, अगेन टू से डिवीजन शुरू करनी है, और कहाँ तक जाना है, ऑफकोर्स टी से कम कम तक जाना है, तो लेस देन टी इज एसेंशियली इक्वल टू दिस। और हम चेक क्या करना चाहते हैं, अगर 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 डी की वैल्यू अगर अगर सॉरी टी की वैल्यू का मोड लें डी के साथ, इन इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करें, और वो बराबर आ जाए जीरो, जिसका मतलब ये टी पूरा पूरा डी से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट में प्लस सी इक्वल टू वन करें। ठीक है, और फॉर लूप से बाहर आके हम चेक ये करना है कि अगर काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम है। ठीक है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, और एल्स इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, दिस वाज व्हाट वी डोंट। ठीक है, सो हम चेक कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे। तो बेसिकली ये तो हमारी डेफिनेट, ये तो हमारा इस प्राइम एक बेसिकली मॉड्यूल है, फंक्शन है, जिसको हम छुपा देते हैं, कंसिडर इट एज एज ए ब्लैक बॉक्स। और ये हमारा नंबर है एन, ये एक्चुअली प्रोग्राम हमारा जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो लेट मी जस्ट पुट अ डैश हियर ताकि पता लग जाए कि ये हमारी लाइब्रेरी फंक्शन टाइप है जो इसको हम यूज करेंगे, और असल में हमने कोड ये लिखा है। ठीक है, जो गोल्डबर्ग कन्वेंशन का, कि हम एक एन नंबर लेते हैं और इस एन नंबर का प्रूफ देते हैं, और प्रूफ क्या होता है बेसिकली कि हम इसलिए बताते हैं कि ये प्राइम नंबर की समीशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा है, और बेसिकली होगा क्या कि इस लाइन पे, लाइन नंबर 22 के ऊपर, ये ए की भी प्राइमेलिटी चेक करेगा, फिर एंड करके बी की भी प्राइमेलिटी चेक करेगा। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, यू कैन सी दैट, लेट्स से मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको याद, अभी देखें इस एग्जाम्पल में देखें तो 12 पुट्स करूं तो 12 का वो आंसर देता है 5 प्लस 7 भी है और 7 प्लस 5 भी है। अच्छा, 5 प्लस 7 और 7 प्लस 5, अगर आप उसको गौर से देखें तो इसमें देखें एक ही ना, ये एक्चुअली एक ही आंसर है, लेकिन इसने इसको फ्लिप करके आंसर दिया हुआ है ना, तो हमें कुछ करना चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। अच्छा, हम कोई और ट्राई भी कर लेते हैं, तो हम कंट्रोल F5 दबाते हैं और हम 14 ट्राई करते हैं, तो 14 की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, एक 3 प्लस 11 है, 7 प्लस 7 है, 11 प्लस 3 है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी भी ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से 16 कर लेते हैं, तो 16 में लिखेंगे तो 3 प्लस 13, 5 प्लस 11, 11 प्लस 5, एंड देन 13 प्लस 3, 13 प्लस 3। अगर आप देखें तो नीचे वाले जो हाफ है वो एक्चुअली ऊपर वाले ही है, राइट। तो एक बड़ी जरूरी बात हो रही है, वो ये कि हमें एक्चुअली एक काम करना चाहिए, वो ये कि हमें हमें इस रिपीटेशन को रोकना चाहिए, और असल में है ये कि जो ए है ना वो हमने जो भी रखा है, बी को एक्चुअली उसके हाफ से ऊपर नहीं होना चाहिए, बी को उसके हाफ से हाफ से कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमें एक काम हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि ये जो हमने बी ट्राई करना शुरू किया है ना, हम एक तरीका कार ये हो सकता है कि हम एक काम करें, और वो काम ये करें कि बी को स्टार्ट ही शुरू कर दें उससे एंड डिवाइडेड बाय टू से। ठीक है, तो इससे होगा ये कि ये जो नंबर्स हैं वो रेंज में आ जाए। तो लुक एट दिस, अब अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं लेट्स से वही 14 ट्राई करूंगा, सॉरी यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं लेट्स से 14 करता हूँ, तो यू कैन सी दैट के 3 प्लस 11 आया और 7 प्लस 7 आया। ठीक है, और एक और ट्राई भी कर लेते हैं, लेट्स से अगर मैं 100 की पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँ, तो ये देखेंगे 3 प्लस 97, और देखें 53 तक जाता है, उसके बाद हमें पता है फ्लिप हो जाना। तो फ्लिप को रोकने के लिए मैंने क्या किया कि जो दूसरा नंबर है ना वो जब ऊपर से कम होता जा रहा है, देखा 97 आया, फिर 99 आया, 83 आया, तो जो सेकेंड नंबर है वो मैंने शुरू ही कहाँ से किया है, वो मैंने एक्चुअली हाफ से आगे से शुरू किया, तो वो पॉसिबिलिटीज ट्राई नहीं करता जो कि हाफ से छोटी होती।
इसी से ये जो हाफ हमने किया है, इससे एक और भी हमें बात पता लगती है, और वो बात पता लगती है कि हमने फिर जो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाला। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक लूप ये लगा हुआ है और एक लूप ये लगा, और ये बी की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करती है। देखें मैं आपको चला के दिखाता हूँ, मैं अगर आप 10 चलाऊँ तो इसको अगर मैं लाइन बाई लाइन चलाऊँ तो ये देखें जी, ये मेरे से इनपुट ले रहा है। चला के दिखाते हैं, हम F10 प्रेस करते हैं, यहाँ आता है एन की वैल्यू, ये इनपुट करवा रहा है, और एन की वैल्यू इनपुट ले ले। तो मैंने एन की वैल्यू लेट से कर दी, कितनी एन की वैल्यू लेट से मैंने कितनी कर दी, लेट से 14 कर दी, तो कैसे करते हैं 20 कर दी। ठीक, तो एन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 आई हुई है। तो अब ए जो है वो रेंज ट्राई कर रहा है, तो पहला वो नंबर ए में जो ट्राई कर रहा है वो 2 है, ए को मैं 2 लेता हूँ। तो अब बी क्या क्या हो सकता है, अब बी को वो एन बाय 2 से शुरू कर रहा है। एन बाय 2 से शुरू करने का मतलब है कि एन बी की वैल्यू 20, एन की वैल्यू 20 है तो ये 10 से शुरू करेगा। तो यू कैन सी दैट कि बी की वैल्यू 10 है, और ए प्लस बी पहले उसने चेक किया, बताया ए 2 है और बी 10, तो 2 + 10 कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये दोनों सम तो एन के बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इस इफ में आए गए। ठीक है, फिर वो 10 के बाद 11 ट्राई करता है। अब बताया 11, 2 + 11 क्या एन के बराबर होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये इसके अंदर आए गए नहीं। फिर 12 भी ट्राई करेगा, 13 भी ट्राई करेगा, 14 भी ट्राई, एक्चुअली 2 के साथ इसका कोई भी मैच नहीं बनता अदर देन 18, तो 18 को ये ट्राई करेगा, तो 18 में वो दोनों बराबर आते हैं। लेकिन मुझे बताएं क्या, क्योंकि एक्चुअली 2 + 18 एक ही जो इफ पे इसके अंदर आना है वो है 18, और 2 + 18 20 के बराबर तो है, लेकिन 2 तो चलो प्राइम है, मुझे बताएं क्या 18 प्राइम है, ऑफ कोर्स 18 प्राइम नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अंदर वाला इफ है उसमें से एक इफ तो चलेगा, दूसरा इफ नहीं चलेगा, क्योंकि दरमियान में लगा हुआ एंड, और एंड के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि पहला चीज भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी चीज भी ट्रू होनी चाहिए। ओके, सो हेंस व्हाट विल हैपन इज कि इस इफ के अंदर अब भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आई डोंट नो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ या नहीं, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें प्रोग्रेस, लेट मी चेक, हाँ ये देखें 2 को जब मैंने पास किया इस प्राइम में तो उसने ट्रू रिटर्न किया, लेकिन जब मैंने इस प्राइम बी पास किया, इधर देखें वॉचेज में जाके मैं अगर एंटर कर दूँ तो ये देखें इसने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, तो ए जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और जो बी है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसीलिए ये इस इफ के अंदर नहीं है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर नहीं गया और ना ही इसने कंसोल पे कुछ प्रिंट किया अभी तक, तो किया। अब वो 20 के लिए 19 भी उसने ट्राई किया, 19 भी वो नहीं चला, 19 इसलिए नहीं चला क्योंकि 2 + 19 जो है वो 20 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है बी की तमाम पॉसिबिलिटीज उसने एग्जॉस्ट कर ली। अब ए को वो चेंज करता है, और जब ए को चेंज करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, और बी अब दोबारा से रेंज से शुरू करेगा, यानी कि दोबारा से 10 से शुरू करेगा। तो ऑफ कोर्स 3 + 10 तो एन के बराबर 20 के बराबर नहीं है, तो वो अंदर नहीं आएगा, और फिर ये 3 4 भी ट्राई करेगा, यानी कि 12 ट्राई, 11 12 फिर 13 14 15, किस पे इसने अंदर आना है, एक्चुअली 17 पे अंदर आना, और 17 में क्योंकि आप अगर आप गौर से देखें, मैं दोबारा वॉचेज में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइम में ए भी ट्रू रिटर्न कर रहा है और बी भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये इसके अंदर आएगा, एंड यू कैन सी दैट के ये अब ये डिस्प्ले कर देगा। सो यू कैन सी दैट कि पहली पॉसिबिलिटीज डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अच्छा एक अगर आप गौर से देखें तो ये जो अंदर वाला नेस्टेड लूप है ये ना हाफ से शुरू करता है और सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करता है। ठीक है, तो हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज सीखी थी वो ये थी कि ये जो अंदर वाला लूप है एक्चुअली, और ये इफ कंडीशन, ये दोनों की दोनों चीजें अवॉइड हो सकती है। ठीक है, और वो हमने कैसे अवॉइड की थी कि हमने इसी का एक और सोल्यूशन देखा था। सो लेट मी पुट दिस सोल्यूशन हियर जस्ट टू मेक थिंग्स के हमारे पास ये वाला सोल्यूशन भी सेव रहे। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, हम एक्चुअली सॉरी इसको नीचे कर रहा हूँ मैं, ये जो अंदर वाला लूप है इसे खत्म ही कर देते हैं और इफ कंडीशन भी खत्म कर देते हैं, और एक्चुअली इसकी जगह क्या करते हैं, बी को हम खुद ही कंप्यूट कर लेते हैं। और वो कैसे कंप्यूट करते हैं कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो हमें पता है बी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ऑफ कोर्स n-2। तो अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो एन की वैल्यू 18 होगी, और अगर ए की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू 17 होगी। तो एसेंशियली हमें ये बात पता है वो ये कि ए प्लस बी बराबर है एन के। ठीक है ना, अगर अगर हम गौर से देखें तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बात पता है कि एन इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो एक्चुअली बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ अगर एन और ए मुझे पता है,
तो वो क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ तो वो मेरा बराबर हो जाएगा, इससे अगर मैं ऊपर आता हूँ तो सेंशली मेरा बी निकल आएगा। तो बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एन माइनस ए के बराबर। तो इसका मतलब है अगर मैंने ए फिक्स कर दिया और एन फिक्स कर दिया तो मेरा बी खुद ब खुद निकल आएगा। और वो कैसे निकल आएगा, एन इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन माइनस ए। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए कर देता हूँ ताकि ये इंडेंट हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। और अब मैं इसे चलाऊंगा तो यू कैन सी दैट ये मैंने 20 एंटर किया और यू कैन सी कि ये सारे के सारे डिस्प्ले कर दिए, ठीक है, राइट ठीक है। चाहे गलती हो रही है यहाँ पे 19+1 आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली 1 की इसने पॉसिबिलिटी चेक की है। सॉरी, इसको हमें केयरफुल चलना चाहिए। एक्चुअली हमें यहाँ पर भी एक चेंज करनी चाहिए, मुझे कि हमें जो ए है की हमने पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है वो हमें हाफ तक चेक करनी है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए क्या डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम चलाते हैं, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20 आ जाएगा, और ये देखिए ये सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, ठीक है। ये दोबारा देख लें, मैंने ये डिवाइड बाय 2 ए के लिए भी डिवाइड बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि ए जैसे जैसे आगे जा रहा है बी ऐसे ऐसे पीछे आ रहा है, यानी जब ए 2 होता है तो बी जो है वो 20 के लिए 18 होगा, जब ये 3 होगा तो ये 17 होगा, और जब ये 4 होगा तो ये 16 होगा, और जब ये 5 होगा तो ये 15 होगा, ठीक है, और ये जब 6 होगा इस तरह से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स हम कंडीशन दोनों की चेक कर रहे हैं कि दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन दरमियान में आके दोनों हाफ हाफ होंगे, और अब हाफ के बाद ये वाली पॉसिबिलिटी हम पहले चेक कर चुके हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी एक ही भी रेंज में डिवाइड बाय 2 बताना है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर फॉर टुडे। और हम एक और बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, ये मैंने असाइनमेंट में कहा था लेकिन टाइम थोड़ा कम है, तो लेट मी डू इट फॉर फॉर यू। वो ये कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम ना ये पूछ लेते हैं ना एन के बारे में, तो हम एक काम करते हैं, हम रेंज पूछ लेते हैं और वो हमें हर रेंज के बारे में बता। तो हम एक काम करते हैं, वो ये कैसे पूछते हैं आर और कहते हैं जी हमें रेंज बताओ, रेंज के कहाँ तक आप सारों के गोल्डबर्ग कंजेक्चर देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं और ये जो हमने कोड लिखा है इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे इस गोल्डबर्ग कंडक्टर को मैं डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन में, और फिर उसके लिखता हूँ गोल्डबर्ग कंजक्चर, मतलब गोल्डबर्ग प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके केस पे हम एक एन भेज देते हैं और इस एन क्या कंजक्चर प्रूफ कर देते हैं कि इसका इस एन का आंसर ये है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इस आर के बारे में चेक करना है कि मुझे बताओ, अगर आर की वैल्यू मैं 100 देता हूँ तो मैं हर एक का प्रूफ चाहता हूँ, यानी कि 2 का भी प्रूफ मिले, 3 का, सॉरी 4 से प्रूफ शुरू हो, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, तो मैं हर इवन नंबर का मुझे आंसर चाहिए कि क्या 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 प्रूफ है। तो इससे कार तरीकेकार क्या है, तो तरीकेकार ये है कि मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, इसमें मैं एन लिख, यहाँ पे मैं लेट से स्मॉल एन करता हूँ, और एन को कहाँ से शुरू करता हूँ, रेंज, और रेंज में यहाँ पे 4, क्योंकि पहला इवन नंबर हमारा 4 है और 2 से ऊपर की बात हो रही, तो 4 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जाएंगे हम R+1 तक। R+1 इसलिए क्योंकि हम R तक डिस्प्ले करना चाहते हैं, और हम करते हैं क्या है कि यहाँ पर गोल्डबर्ग प्रूफ कह देते हैं और कहते हैं ऐसा करो कि इस नंबर का प्रूफ बता दो, इसका प्रूफ बता दो इस एन का। तो शुरू में एन की वैल्यू 4 होगी तो वो 4 का प्रूफ लिखेगा, फिर 6 का, और हम इंक्रीमेंट फैक्टर 2 का रखना चाहते हैं, 2 का इसलिए क्योंकि मैंने 2 2 के जंप लगा, तो फॉर लूप जो होता है वो हमें पता है कि इसमें हम यहाँ पर दो दो के जंप हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने कंट्रोल F5 किया, इसको कह रहा कि एरर है, एरर क्यों है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो इसको हमें यू कर देना चाहिए और इसको भी यू कर देना चाहिए, तो दोनों फॉर्मेट का मार है। कंट्रोल F5, रेंज पूछी, रेंज पूछ लेते हैं जैसे 20, तो ये आप देख लें कि इसने 8 का भी प्रूफ दे दिया है, 10 का भी प्रूफ दे दिया है, 12 का भी दे दिया है, 14 का भी दे दिया है, 16 के 2 दे दिए हैं, सो ऑन सो फॉर। तो बेशक एक यहाँ पर जाके हम एक प्रिंट भी लिख देते हैं, और प्रिंट में जाके लिख देते हैं द प्रूफ ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
कोट बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम ये प्रिंट हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम चला देते हैं। बेशक हम यहाँ पे बैक स्लैश एन भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंट्रोल F5। सो रेंज हमने 20 दे दी। तो यू कैन सी दैट कि 4 का प्रूफ नहीं आया। 4 का प्रूफ क्यों नहीं आया अभी? क्योंकि हमारी रेंज 2 है। ओ तो यहाँ पर हमें डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें +1 भी करना चाहिए, तो उसने +2 तक जाना है, 2+2 भी हो सकता है। तो मैंने कंट्रोल F5 दबाया और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेंज 20। तो यू कैन सी दैट 4 का प्रूफ है 2+2, 6 का है 3+3, 8 का है 3+5, 10 के हमारे पास 10 के हमारे पास 2 प्रूफ है और 12 का 1 प्रूफ है और एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यू कैन सी दैट के सारे प्रूफ आ गए, ठीक है। तो ये एक था और आगे हमने एक होमवर्क दिया था और वो होमवर्क था जिसे कहते हैं ट्वेंस प्राइम। और होमवर्क क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। होमवर्क होमवर्क ये है, देर इज अ वेरी फेमस सॉरी देर इज अ वेरी फेमस अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड ट्विन प्राइम। व्हाट इज ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम ये होता है कि आपको ना हमेशा, आप जितना मर्जी आगे चले जाए, आपको एक ट्विन प्राइम आपको मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ट्विन प्राइम होते क्या है कि दो कंजर्केटिव ऑड नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 जो है वो ट्विन प्राइम है, या 41 और 43 जो है वो ट्विन प्राइम है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे ख्याल में 91 और 93, 93 तो प्राइम नहीं होता, 93 प्राइम नहीं होता, बट 89 प्राइम होता है। तो 89 और 91 ये दोनों ट्विन प्राइम है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने एक नंबर लेना है, एक नंबर लेना एन, और आपने कंसोल पे एक एन नंबर लेना है जिसको आप रेंज कह लें, ठीक है। सो एंटर एंटर द रेंज, ठीक है, इसको हम लेट से वो कह दे 100। तो वो क्या करें, वो 100 तक जितने भी ट्विन प्राइम्स बनते हैं उन सबको डिस्प्ले करें, ठीक है। तो एक्चुअली करना सिर्फ ये है कि आपने एक लूप है जो आगे चलते जाना, और आपने करना ये है कि, और वो ऑड नंबर्स में चल रहा हो, और आपने करना क्या है कि अगर वो नंबर खुद प्राइम है और उससे अगला नंबर भी अगर प्राइम है, तो इसका मतलब है ये दोनों पेयर जो है वो ट्विन प्राइम, तो वो दोनों के दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अगेन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपका ए का लूप चल रहा होगा, बी आप खुद ब खुद कंप्यूट कर लेंगे, और वो कैसे होगा, वो ए से 2 आगे होगा, ठीक है। और आप देखेंगे क्या, अगर दोनों प्राइम है, अगर दोनों प्राइम है तो दोनों को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो चलता रहेगा, ठीक है। और जो लूप है उसमें ए में इंक्रीमेंट जो है वो 2-2 करें। 2-2 किस लिए करें, क्योंकि आपने ऑड नंबर को चेक करना है, आपने इवन नंबर को चेक करना है। तो लूप मेरे ख्याल में 3 से शुरू होगा, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट भाई, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये आपका छोटी सी वीडियो हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट कि हम रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर सकते थे, बट यू कैन बिल्ड। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।